नाउ आई वॉन्ट टू बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ द ग्राफ बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में वो ग्राफ कैसा बनेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप लोग पिछले वीडियो से आपको लोगों को पता रहे कि वो कैसे हम कन्वेंशन के साथ और कैसे हम ग्राफ बना रहे हैं और कैसा जनरल शेप है ऑफ एन इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप. ठीक है, अच्छा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना डिस्कस बिटवीन टू चार्जेस. हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ है. ठीक है, हमारा एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे है एंड एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारा यहाँ पे है. सही है. एंड आई एम गोइंग टू मार्क दिस इज पॉजिटिव एंड आई एम गोइंग टू मार्क दिस एज पॉजिटिव. ठीक है, ओके. नाउ बिफोर वी स्टार्ट ड्रॉइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कन्वेंशन बना लो. अब इसमें कन्वेंशन का प्रॉपरली समझ में आएगा कि कन्वेंशन कैसे हेल्प करेगी ग्राफ को समझने में. अच्छा, डज नॉट मैटर किसी भी क्यों कह लो, लेकिन आई एम गोइंग टू से जो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, जो लेफ्ट साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यू नो पॉजिटिव चार्ज अपनी आपसे दूर फेंकेगा, राइट. सो उसके अंदर से जो फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ पॉइंट आउट करनी होंगी दोनों के लिए, राइट. दोनों के लिए ऐसा होगा. आई एम गोइंग टू ड्रॉ देम नीटली क्योंकि दैट इज गोइंग टू हेल्प इन एक्सप्लेनेशन. सो जो है यू हैव दीज पॉजिटिव चार्जेस जिसमें से रेडियली आउटवर्ड्स आपकी जो है वो लाइंस बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सही है. मैं सिर्फ यही चार बना रहा हूँ और इसमें भी मैं ऐसे ही चार बना रहा हूँ. ओके, सो नाउ यू गोइंग टू एक्चुअली सी कि कैसे जो है वो कन्वेंशन आप लोगों को हेल्प करेगी इन मेकिंग दिस ग्राफ. ओके, आई एम गोइंग टू से दैट राइटवर्ड जो है वो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है. राइटवर्ड मैं कह रहा हूं, राइटवर्ड जो है वो मेरा पॉजिटिव है. सही है. नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सबसे पहले तो दोनों का मर्ज ग्राफ बनाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दोनों के सेपरेट ग्राफ्स कैसे होंगे. ठीक है, अच्छा. इफ यू लुक एट दिस लेफ्ट वाला पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशन जो है वो उसी की ही चार्ज की, उसी की ही फील्ड लाइन की डायरेक्शन में है. तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा सारा का सारा पॉजिटिव रीजन में. ठीक है, ओके. सो यू नो कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी ई एट उसका रेडियस. ठीक है, तो वो यहां आ रही है और फिर वो आगे जाते हुए वो डिक्रीज करेगी और एक ऐसा ग्राफ बनेगा. ओके, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बन रहा है जो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप का जो है वो ग्राफ हम पिछले उसमें देखते हुए आ रहे हैं. मैंने इसका ग्राफ जो है वो इन द पॉजिटिव रीजन बनाया. व्हाई? बिकॉज उसकी फील्ड लाइंस जो है वो कन्वेंशन को फॉलो कर रही है. ओके, अब अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज देखोगे जो राइट हैंड साइड वाला है, इसके साथ एक प्रॉब्लम है. इसकी जो फील्ड लाइन है वो है लेफ्ट की तरफ. ठीक है, इफ यू लुक एट दिस फील्ड लाइन, वो है इसकी लेफ्ट की तरफ. ओके, नाउ ये तो हो गया, इसकी फील्ड लाइन लेफ्ट की तरफ है, तो इसका मतलब कन्वेंशन के हिसाब से इसका ग्राफ कहाँ बनेगा? नेगेटिव रीजन बनेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उल्टे डायरेक्शन में आपके कन्वेंशन के, राइट. सो आई विल बी ड्रॉइंग इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉ दिस फ्रॉम ओवर हियर. पहले तो उसका ई होगा एट आर और वो यहाँ कहीं आ रहा है, नेगेटिव में क्यों बना रहा हूँ? अगेन कन्वेंशन के ऑपोजिट है उसकी फील्ड लाइन, सो इसलिए वो सारा नेगेटिव में बनेगा ग्राफ. एंड देन यू सी के ये जो है वो कुछ ऐसा जो है वो हमारा बन रहा होगा. आई एम एक्चुअली गोइंग टू ग्रैब दिस एंड फ्लिप दिस अराउंड. It's easier to make. So it's something like this. ठीक है, दो पॉजिटिव चार्जेस थे और जो है वो उनके इंडिविजुअल ग्राफ्स मैंने ऐसे बना दिए. ओके, नाउ इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ द नेट ग्राफ कैसे बनेगा? नेट ग्राफ ऐसे बनेगा कि दोनों के जो सम्स हैं वो हम लेंगे एट ऑल पॉइंट्स. ठीक है, दोनों के सम्स हम जो है वो एट ऑल पॉइंट्स ले रहे होंगे. सो इफ यू सी, इफ यू सी, एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस विद अ डार्कर लाइन. इफ यू सी के ये जो है वो यहाँ तक आ रहा है, तो दोनों जब यहाँ पे एड अप होंगे तो इट शुड स्टार्ट ऑफ विद सम लिटिल लोअर, क्योंकि अगर ये नेगेटिव वैल्यू, अगर इस पॉजिटिव वैल्यू में डल रही है, ठीक है, तो थोड़ी सा नेगेटिव अगर पॉजिटिव निकालोगे तो हल्का सा नीचे आ जाएगा, राइट. सो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस ग्राफ को. ठीक है, ओके. देन फिर क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है जो दोनों का मर्जर है, दैट विल ऑलवेज 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 स्टे बिलो दिस ब्लू लाइन. वो क्योंकि ब्लू में से
यू आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टिंग दिस नीचे वाली ब्लू, मतलब ब्लू में से वो नेगेटिव पोर्शन निकले जा रहे हैं निकले जा रहे हैं, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव पोर्शन निकालते जाओगे वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा दूसरी बात यहाँ देखोगे कि यू सी समवेयर ओवर हियर, ठीक है, समवेयर ओवर हियर यहाँ पे इतना ही ऊपर भी हुआ और इतना ही नीचे भी हुआ, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो यू शुड गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक, ओप्स एक सेकेंड, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द नेट फील्ड ग्राफ जो मैंने ग्रीन से बनाया है, वो नेट फील्ड ग्राफ बना आपका, ठीक है। पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड हो रहा था तो हल्का सा नीचे आया, फिर विल ऑलवेज स्टे बिलो दिस लाइन, एक पॉइंट आएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो कर देंगे, एंड देन वो फिर नेगेटिव में जाएगा बिकॉज द नेगेटिव वाला ग्राफ इज बिगर देन द पॉजिटिव वाला ग्राफ, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा एंड देन वो उसके करीब आ जाएगा उस वाले पॉइंट के, द ग्राफ बिकम समथिंग लाइक दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा नाउ वन थिंग, दिस पॉइंट जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हुई, हुई है आपकी जीरो, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हुई है एंड दिस इज नोन एज द नल पॉइंट, और लॉजिकल भी है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज अपने आप से दूर फेंक रहा है और दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज भी अपने आप से दूर फेंक रहा है, तो एक पॉइंट आएगा वो दोनों ही इक्वली ही दूर फेंक रहे होंगे, इक्वल फोर्स से दूर फेंक रहे होंगे, तो वो पॉइंट वो फंस जाएगा वहां पे, जो भी चार्ज होगा वो बीच में आके वहीं पे फंस जाएगा, उसको आप कहते हो नल पॉइंट, वहां पे आपके दोनों चार्जेस की जो फोर्स है वो इक्वल हो जाती है एंड देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द नल पॉइंट, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, सही है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा बट अगेन वी नीड टू डिस्कस थोड़ी बहुत चीजें इसमें के जो है वो, बिकॉज एग्जाम के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, वो डिस्कस करते हैं एंड देन दो तीन चीजें बातें जो है हम और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस क्लियर, ठीक है, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, सो पॉजिटिव चार्ज एंड देन पॉजिटिव चार्ज इज वेल, ओके नाउ यू नो इस पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन सारी बाहर आ रही है, उसमें से भी सारी बाहर आ रही है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट है बीच में नल पॉइंट आ रहा है एंड सो द फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते करते दे बेसिकली द थिंग बिकम्स लाइक दिस, ठीक है, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज टू पॉजिटिव चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, सो ये क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनकी फील्ड लाइंस जो हैं वो बेंड अवे होना शुरू हो जाएंगी, सो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपके पास कोई फोर्स नहीं होती, आपके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती, कोई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती, तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं नल पॉइंट, और नल पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होती है। जीरो क्यों होती है? जीरो इसलिए होती है बिकॉज 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 आपके पास जो आपकी जो फोर्स है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इज इक्वल टू द फोर्स जो ये वाला चार्ज लगा रहा है, ठीक है, जो जब इक्वल हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है, खुद ही देख लो, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड देन के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर कंप्लीट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों की फोर्सेस जो है वो मैचअप हो जाती है, ओके दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो अभी तो मैंने आइडेंटिकल चार्ज बनाया, बीच में नजर आ रहा है नल पॉइंट, जरूरी नहीं है नल पॉइंट हमेशा बीच में हो, नल पॉइंट कैन बी समवेयर राइट समवेयर लेफ्ट, हो सकता है किसी चार्ज से ज्यादा करीब, हो सकता है किसी चार्ज के से दूर हो, वो कैसे पता चलता है वो सब कुछ अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो नल पॉइंट कैन बी क्लोजर टू वन चार्ज, ठीक है, अगर नल पॉइंट किसी चार्ज के करीब है तो उसका मतलब क्या है, वो कम वो वीकर चार्ज है, राइट, जाहिर बात है, देखो अगर एक चार्ज पुश कर रहा है दूसरा ज्यादा चार्ज ही पुश कर रहा है, लेकिन एक ज्यादा जोर से पुश कर रहा है तो जो नल पॉइंट था बीच वाला वो इधर आ गया ज्यादा टूवर्ड्स दिस चार्ज आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पुश कम है तो ये होगा वीकर चार्ज, राइट। सो जिस पॉइंट के करीब नल पॉइंट होगा, जिस चार्ज के करीब नल पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो होता है वीकर चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जो है हमें जो इधर
समझनी है वो ये समझनी है कि हाउ टू टेल विच चार्ज हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाउ वुड यू टेल दैट? प्रिटी इजी। एक एक तो तरीका जिसमें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि द नल पॉइंट इज फार्दर अवे फ्रॉम द चार्ज विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड। वुप्स, मैग्नीट्यूड। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट, अगर आप उनकी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देख लो, अगर आप ये वाली वैल्यूज देख लोगे जो इनिशियली आ रही है, ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ कहीं से बन रही है और उसकी जो है वो कहीं यहीं तक आती है, ठीक है, सो ऑब्वियसली यू कैन से, यू कैन टेल बहुत आसानी से कि कौन सा चार्ज बड़ा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बड़ी होगी। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दी ग्रेटर चार्ज विल हैव, ओप्स, अ बिगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, माय राइटिंग इज गेटिंग प्रीटी बैड बट बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू राइट फास्ट। द ग्रेटर चार्ज विल हैव अ बिगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्लोजर टू इट। ठीक है, यानी उसके सरफेस पे उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा, एंड यू कैन विजिबली सी दैट। एक चीज तो हमने ये डिस्कस करनी थी कि कैसे आप बताते हो विच चार्ज हैज अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। दूसरी बात ये कि आप ये कैसे बताओगे कि दोनों चार्जेस का इक्वल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे कि दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड हुआ तो आपको कैसे बचलना है, तो आपको ऐसे बचलना है इन केस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड द नल पॉइंट इज इन द सेंटर, इज एट द सेंटर। ठीक है, अगर नल पॉइंट दोनों से ही उतनी ही दूरी पे है, बीच में है बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का पुल एक बिल्कुल इक्वली है, सॉरी, दोनों का पुश जो है वो, दोनों का ये जो फोर्स है जो दोनों लगाते हैं वो दोनों की इक्वली है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका जो नल पॉइंट है वो बिल्कुल बीच में आ रहा है। राइट, सो हमारा जो है ये हमने डिस्कस कर लिया कि बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आपका क्या ग्राफ बनेगा। ओके जी, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड अगेन अनदर नेगेटिव चार्ज, आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी पेस्ट दैट। सो दिस टाइम नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन कैसे होती है? नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होती हैं उसके अंदर जाती है। ठीक है, कीप दैट इन माइंड, नेगेटिव जो चार्ज होगा उसकी फील्ड लाइंस होंगी उसके अंदर आती है। ओके, प्लेस दिस ओवर हियर, सो यू गॉट टू नेगेटिव चार्जेस एंड इस तरह से है, दोनों के अंदर उनकी फील्ड लाइंस आ रही है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ द कन्वेंशन। सबसे पहले तो कन्वेंशन समझ लो, हम कन्वेंशन कौन सी ले रहे हैं एज पॉजिटिव। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक द लेफ्ट वाला चार्ज है उसकी जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है मैं उसको एज पॉजिटिव ले लूंगा। सो आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू टेक द कन्वेंशन एज ऐसे वाली पॉजिटिव। ठीक है, नो स्पेसिफिक रीजन, आप उल्टा भी ले सकते थे तो उससे भी ग्राफ बन जाएगा, वो सही बनेगा, यू विल नेवर बी रॉन्ग। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अभी जो लेफ्ट वाला चार्ज है उसकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मैं उसको कह लूंगा वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, नाउ इसकी अगर हम इंडिविजुअल अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखने जाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेगी। व्हाई? बिकॉज इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में कन्वेंशन लिया तो उसका मतलब इसकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा है। सही है, इनवर्स स्क्वायर वाला रिलेशनशिप वाला ग्राफ। एंड देन दूसरे वाले का देखोगे तो उसके, अगर उसको देखोगे
तो उस वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं राइट की तरफ खींच रहा हूँ, अपने अंदर राइट की तरफ खींच रहा हूँ, लेकिन जो कन्वेंशन है वो उसके ऑपोजिट है, तो ऑटोमेटिकली सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे बन जाएंगी, वो सारी चीज जाएंगी नेगेटिव में। सो समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एंड दिस कम्स डाउन, सही है। तो एक कैसे बना, दूसरे का वैसा बन रहा है। एंड अगेन देखोगे ग्राफ्स दोनों के वही बने हैं, कन्वेंशन अगर उल्टी लेते तो कुछ और उल्टे बनते हैं, और उससे सिर्फ ग्राफ फ्लिप होता और कुछ भी नहीं होता। सो उससे सिर्फ ग्राफ फ्लिप होता, अगेन अभी देखोगे ग्राफ जो है वो आपका कैसा बन रहा है। अगर मैं इसका नेट वाला ग्राफ बनाऊंगा तो एग्जैक्टली सेम अप्रोच, एग्जैक्टली द सेम वे, एंड देन आपका जो है वो ये ग्राफ इसके नीचे होगा, और फिर नीचे होते होते कहीं ये जो है वो सेकेंड, ओके सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, काइंड ऑफ अ बिट ऑफ, लेकिन चलो खैर, आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस समवेयर ओवर हियर, ठीक है। सो अगेन वैसा ही ग्राफ बना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही बना है, और बीच में एज एक्सपेक्टेड आपके पास एक नल पॉइंट आना चाहिए था, तो आपके पास एक नल पॉइंट आया है, जहां पे क्या कहते हैं हम, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, वो होती है 0, ठीक है। अगेन थोड़ा सा इसको रीइन्फोर्स कर देता हूँ, ऑब्वियसली दो नेगेटिव चार्ज थे, जब दोनों अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा कि दोनों का जो खींचने की पावर है वो दोनों की बराबर हो गई होगी, राइट। सो अगेन समथिंग लाइक दिस, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गेट दिस एंड फ्लिप दिस अराउंड। सो सारी इसमें जो है वो फील्ड लाइन अंदर आ रही है, एंड इसमें भी सारी फील्ड लाइन अंदर आ रही है, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से बीच में एक नल पॉइंट आ रहा है, राइट। जब ये भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो एक पॉइंट आएगा कि बीच में जो है वो दोनों का पुल एक ही जितना स्ट्रांग हो जाएगा, और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नल पॉइंट, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वो होती है 0, राइट। अगेन जरूरी नहीं है बीच में हो सकता है चार्ज बड़ा, हो सकता है चार्ज छोटा हो, तो उसको देखने का तरीका वही है विच आई टोल्ड अर्लियर, के द वे टू टेल विच चार्ज हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज, कि आप ये 3 पॉइंट्स को देख लोगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स पहले वाले जो है जो आपको बता रहे हैं एक्चुअल में इसका ग्रेटर मैग्नीट्यूड, तो तीसरा वाला इज जस्ट कि अगर इक्वल होगा तो ये केस होगा कि दोनों का नल पॉइंट बीच में आ रहा होगा, ठीक है। ओके सो दिस वाज द बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस वाला ग्राफ। नाउ लेट्स गो ओवर बिटवीन अ नेगेटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बिटवीन अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज, सही है। ओके जैसे मैं तो उसकी थोड़ी सी वो वाली डायग्राम में को डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में होगा क्या। तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो बेसिकली व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज के बिकॉज पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपने आप से दूर फेंकता है, नेगेटिव क्या चार्ज क्या करता है, अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है। सो होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज अपने आप से दूर फेंकेगा, नेगेटिव चार्ज अपने पास ले लेगा, ठीक है। सो बेसिकली जो फील्ड लाइन है वो मर्ज हो जाएंगी, उससे होंगी कि पॉजिटिव चार्ज में से निकल रही है तो नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही है, एंड यही आई एम शोइंग कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली सम ऑफ देम विल ट्राई टू बेंड एंड ट्राई टू मीट अप, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी कि वो मीटअप कर सकें, लेकिन बेंडिंग जरूर होगी इनमें, ठीक है। एंड देन जो दूर होंगी बहुत ज्यादा, वो थोड़ी बहुत बेंड कर रही है, ज्यादा बेंड नहीं करेंगी, एंड इट्स समथिंग लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज से सारी दूर जाती हैं, नेगेटिव चार्ज के अंदर आती हैं सारी, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, देयर विल बी नो नल पॉइंट दिस टाइम, क्योंकि दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही, एक दूर फेंक रहा है आपसे, एक अपनी तरफ ले रहा है, तो बेसिकली देयर इज गोइंग टू बी नो पॉइंट इन बिटवीन जहां पे आपका कोई नल होगा, ठीक है।
फिर भी नो पॉइंट है वहां पर चार जाके रुक गया, नहीं वो नहीं होगा, वो दूसरा फेंक रहा है तो दूसरा ले रहा है, तो इट्स कॉम्पनसेटेड, तो बिल्कुल सही है, इट्स हार्मनी में सब कुछ हो रहा है, वो अपने आप से दूर फेंक रहा है या ले रहा है, ठीक है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर। नाउ लेट्स डिस्कस कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ओके सेम थिंग, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम एक्सिस, एक्चुअली आई एम गोइंग टू गेट दिस ही फ्रॉम हियर बिकॉज़ दैट्स गोइंग टू मेक वर्किंग अ लॉट इजियर, और आई एम गोइंग टू रिमूव दीस थिंग्स एंड ओके अनदर थिंग दैट आई एम गोइंग टू रिमूव इज के ये वाला नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये वाला जो है वो हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, लेफ्ट वाला पॉजिटिव चार्ज है, राइट वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन जो है वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो सारी हमेशा बाहर जाती हैं, सो दे आर ऑल गोइंग आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के अंदर सारी फील्ड लाइन जो है वो अंदर आती हैं, ठीक है, ओके दिस टाइम आई एम गोइंग टू से, अब मैं जैसे लेफ्ट वाले को ही कन्वेंशन लेके उसको ही रख के करा था, तो मैं इस वाले में भी लेफ्ट वाले ही पॉजिटिव चार्ज को एज कन्वेंशन लेके ही करूंगा, सो जो पॉजिटिव वाला है आई एम गोइंग टू से जो उसकी जो फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन में आई विल से कि इसकी जो है उसकी डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव, ठीक है। अब देखोगे मजे की बात यह है कि जो राइट जो पॉजिटिव वाला है, जो लेफ्ट हैंड वाला जो चार्ज है जो पॉजिटिव वाला, उसकी भी कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब वो राइट डायरेक्शन में, मतलब जो कन्वेंशन के हिसाब से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, लेफ्ट वाले का देखोगे लेफ्ट वाले का भी कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो एक्चुअली इन दोनों का किसी के भी ग्राफ नेगेटिव पॉजिटिव बनेंगे, दोनों के ग्राफ पॉजिटिव में ही बनेंगे, राइट, बिकॉज दैट इज अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन वैसा ही बनना है, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग। जो ये वाला जो ग्राफ है इसका जो है वो ऐसा बन जाएगा कि ई ओवर आर, वही ग्राफ जो पहले तो एक चार्ट एक ही उसका बनाते हैं हम, सो जस्ट टेकिंग वन एज द एग्जाम्पल, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है, एंड देन सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, आई वॉन्ट समथिंग लाइक इट, सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो, उसका भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कैसे बनाई है मैंने, दोनों की पॉजिटिव ही बनाई है, राइट, कोई नीचे नहीं बनी कोई ऊपर नहीं बनी, दोनों ही पॉजिटिव वाले उसमें बनी है, दोनों ही ऊपर बनी है, ठीक है। अब हम इनका जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ देखेंगे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा क्योंकि देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो रहा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव ऐड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, राइट, अच्छा थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और देखो हर वक्त ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, इस पॉइंट में भी दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होगा इसके ऊपर होगा, और इसी तरह ऐड होते होते ऊपर ही रहेगा, यानी ये वाला जो ग्राफ है ये हमेशा क्या रह रहा है, ये हमेशा ऊपर ही रह रहा है दोनों से, राइट, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो ऊपर और बड़े एक बड़ा पॉजिटिव बन जाएगा, सो यही होगा, राइट, इधर कम छोटा पॉजिटिव ऐड होता तो इसके करीब था पॉइंट, इधर जो है वो दोनों ऐड हो रहे थे म्यूचुअली, तो इधर आया पॉइंट, एंड बेसिकली आई होप यू गेट द आइडिया, सारा सब कुछ ऐड हुआ है तो वो भी सारा ऊपर में ही बनेगा, ऊपर ही पॉजिटिव वाले रीजन बनेगा, उल्टा सीधा कहीं और नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा अगर आपने लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशन ली भी होती, अगर आप कहते हैं कि नहीं उल्टे वाले डायरेक्शन में, तो वो तब भी दोनों के ग्राफ जो है वो एक ग्राफ ऐसे बनता, एक ग्राफ ऐसे, और फिर दोनों की म्यूचुअल जो है वो वैसे ही बनती, इट वुड हैव स्टिल स्टेड ऑन द सेम साइड, ठीक है, इट वुड हैव स्टिल स्टेड ऑन द सेम साइड, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिमूव दिस, एंड आई एम गोइंग टू से कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे ही है, सही है, सो हियर इज दैट, दिस वॉज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्राफ बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस कंप्लीट, बिटवीन अ पॉजिटिव चार्ज, बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस, एंड बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। लास्ट थिंग इसमें भी अगर हम डिस्कस करना चाहें कि अगर हम ये कैसे बता सकते हैं कि दोनों जो है वो इक्वल के हैं या नहीं है, जो भी हम वो देखते हैं हम वो कैसे बताएंगे, दूसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि देखो जैसे हमने कहा था नल पॉइंट नहीं होना चाहिए, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेवर जीरो, ठीक है, सो देयर इज नो नल पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्राफ में अगर आप नल पॉइंट बना के आ गए तो उसका मतलब आपने ग्राफ गलत बनाया है इसका,
सो जस्ट रिमेंबर कि ग्राफ इसमें भी कोई नल पॉइंट नहीं होता है. ओके एंड लेट्स ऑल्सो डिस्कस, हमारे पास जो है लेट्स डू दिस. ओके इसमें कैसे बताएंगे हाउ टू टेल द चार्जेस इसमें कैसे इक्वल है, ठीक है. इसमें या फिर ये बताएं कैसे कि हाउ टू टेल कि एक बड़ा एक छोटा है, हाउ वुड आई टेल दैट. सो सबसे पहले तो इसमें यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू टेल इफ द चार्जेस आर इक्वल. अच्छा अगर देखो चार्जेस इक्वल हुए, ठीक है, इफ द चार्जेस आर इक्वल इन दिस वाली केस, इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाली केस, बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला चार्ज की केस में, सो क्या होगा, इसमें ये होगा कि द कर्व विल बी सिमेट्रिकल. यानी अगर उसको इस बीच वाले रीजन में से काट दूं, ठीक है, तो ये दोनों साइड पे बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है, मिरर रिफ्लेक्शन बन रहा होगा. इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल चार्ज है, यानी एक प्लस टू कूलम का है तो दूसरा नेगेटिव टू कूलम का है, दैट इज दैट. बट क्या क्या अच्छा है, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन होगी, कोई उल्टा सीधा हिसाब इसमें नहीं होगा. हाँ अगर एक चार्ज बड़ा और एक चार्ज छोटा है तो वो कैसे बताओगे, ठीक है, जैसे इसमें अगर मैं बताना चाहूँ कि हाउ टू टेल विच चार्ज इज ग्रेटर, ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा, उसका उसकी जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उससे बताया जा सकता है कि जिसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा या कम होने वाली, बता सकते हैं कौन सा चार्ज बड़ा है, ठीक है. सो यू कैन टेल के दी ग्रेटर चार्ज, द चार्ज विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड विल हैव अ हायर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्लोजर टू इट. वुप्स ओके सो ये आ गया आपका दूसरा तरीका. अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज इस केस में बड़ा होता तो ये विजिबली आपको ये बड़ा दिखता, मतलब इस पॉइंट पे जो ग्रीन वाला ग्राफ होता वो इधर और ऊपर आया होता, ठीक है, और उधर वो इतने ऊपर नहीं जाता. तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इस तरह से बदला था, या नेगेटिव चार्ज से भी इस तरह से आराम से बदला था कि जो जो है वो जो ग्राफ अपने एंड पे अपने सरफेस पे ज्यादा बड़ी वैल्यू दिखा रहा है वो बड़ा ही चार्ज होगा, ठीक है. अच्छा एंड द लास्ट थिंग इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि ये कैसे बताया जाए कि दोनों सेम चार्ज थे या दोनों डिफरेंट चार्ज थे, ठीक है. सो हाउ टू टेल लाइक एंड अनलाइक चार्जेस. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आई मीन कि ये कैसे बताया जाए कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे या दोनों नेगेटिव चार्ज, सॉरी दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव थे, या फिर ये कैसे बताएं कि दोनों अलग अलग चार्जेस थे, ठीक है. द एग्जामिनर विल ऑलवेज ओनली आस्क यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, दे विल ओनली ऑलवेज आस्क यू कि कौन, ये बताओ कि अभी दोनों सेम है चार्ज या दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का साइन सेम है या दोनों का साइन डिफरेंट है. वो सिर्फ आपसे ये पूछेंगे क्यों, बिकॉज कन्वेंशन के हिसाब से अगर उल्टा बना दें ग्राफ तो वो उल्टा हो जाता है, ठीक है. यू हैव नो आइडिया कि नो, या आप सर्टेनिटी के साथ ही बता सकते हैं कि जो है वो ये वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव है, ठीक है. देखो कन्वेंशन जैसे होगी उसके हिसाब से ग्राफ बन जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी मतलब वो फ्लिप हो सकता है कन्वेंशन की वजह से. सो यू नेवर नो व्हाट दी कन्वेंशन दी एग्जामिनर इज टेकिंग, ठीक है. तो इसलिए वो आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि ये बताओ सबसे पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, इसमें नेगेटिव चार्ज कौन सा है, वो ये नहीं पूछेंगे आपसे. हाँ वो ये जरूर पूछेंगे कि ये बता दो कि दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव थे, या जो है दोनों जो है वो मतलब एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था. तो वी ऑलवेज आस्क यू इफ दे बोथ हैड द सेम साइन, यहां तक है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन ये होगा कि इफ दे हैव द ऑपोजिट साइंस, ठीक है, दैट्स दैट. सो हाउ टू टेल लाइक एंड अनलाइक चार्जेस. ओके आसान तरीका, सबसे पहला आसान तरीका ये है कि अनलाइक चार्जेस, जैसे अभी हमने ग्राफ देखा, तो अनलाइक चार्जेस हैव नो नल पॉइंट, राइट, यानी वहां उनके बीच में कभी जो है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो नहीं हो रही है,
एंड लाइक चार्जेस के लिए, लाइक चार्जेस हैव ए नल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स टू जीरो, दैट्स दैट। तो दिस इज आर, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के जियोग्राफ्स हैं फॉर पॉइंट चार्जेस। हमारा जो है वो यहाँ तक इनकी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है।